हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने ब्लाउज के मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5.5 इंच है, लंबाई हमारी 14.5 इंच है, चौड़ाई हमारी 12 इंच है। 6 इंच पर हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। अब हम ऊपर से 2.25 इंच गले के लिए लेंगे, तो 2.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और नीचे हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे। 9.5 इंच हम गले की डीपनेस रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर से हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से देखिए, हम बॉक्स बना लेंगे और राउंड गले का इस तरह से शेप देंगे। और यहाँ पर हम एक पैटर्न भी बना लिए हैं, इसे भी हम काट लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने इस पैटर्न को भी काट कर अलग कर लिया है। अब हम पेस्ट्री पेपर को पहले डबल फोल्ड करेंगे और इस पैटर्न को पेस्ट्री पेपर के ऊपर रखते हुए आगे से सेम निशान और पीछे से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे काट कर अलग कर लिए हैं। ये देखिए, हमने इसे काट कर अलग कर लिया है। और यहाँ पर हमने अस्तर ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रख लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से रखने के बाद पिन अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम पिन अटैच कर लेंगे और ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पर इस तरह से हम देखिए सिलाई लगा लिए हैं। और अब हम बीच के कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम बीच के कपड़े को काट कर अलग कर लिए हैं और हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगाए हैं। ये कट हमारी सिलाई से इधर साइड ही होनी चाहिए। और अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से इसे पलट लिया है। पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। और फिर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, यहाँ पर हम अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लिए हैं। तो देखिए, हमने पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर इस पैटर्न जो पैटर्न काटे थे उसे आयरन से अच्छी तरह से चिपका लिए हैं और इसे हम काट कर अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने काट कर अलग कर लिया है इस पैटर्न को। और यहाँ पर हम एक गोल्डन कलर का कपड़ा लिए हैं और इसके ऊपर देखिए, हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम आगे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हम दूसरे पैटर्न को भी पहले सिलाई लगा लेंगे और इसे हम काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है। और अब हम यहाँ पर इसे हम पलट भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए, हमने तिरछी पट्टियाँ काट कर जोड़ लिया है और इसके एक साइड हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम एक साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। और अब हम इसे काट ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पाइपिंग बना लिया है। इसी तरह से हमने दोनों पीस पर पाइपिंग लगा लिया है। यहाँ पर हम एक लेस लिए हैं और इसे देखिए पाइपिंग से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पर हम एक चौकोर कपड़ा लिए हैं, इसे देखिए इस तरह से हम काट लिए हैं, त्रिभुज बना लिए हैं और इसे हम एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा दिए हैं। और इसे देखिए, हम इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। इसे भी हम इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो देखिए, हम इसे इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। और अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। और यहाँ पर हम नीचे का प्लेट दोनों डालेंगे। इस तरह से देखिए, हम दोनों का नीचे प्लेट डाल लिए हैं। और यहाँ पर हम एक लैस लिए हैं और इसे गले पर इस तरह से लगा लेंगे। जिस तरह से हमारा कटिंग किया हुआ गोल गला, उसी तरह से हम इस लैस को भी लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरी लैस भी लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर एक पट्टी लिए हैं और इसे नीचे की तरफ रखते हुए सिल देंगे और इसे नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। तो देखिए, हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।